हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक घंटे के अंदर फटी एड़ियों के दर्द से राहत मिलेगी और साथ ही मुलायम सुंदर भी होंगी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यदि हम अपने एड़ियों की सही तरह से केयर ना करें तो वो फटने लगती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एड़ियां सिर्फ सर्दियों में ही फटती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी एड़ियां उनके सही देखभाल ना करने के बाद फटने लगती है और साथ ही डिहाइड्रेशन के कारण भी फटने लगती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ लड़कियां फटी एड़ियों के कारण अपनी पसंद के स्लीपर्स और हील्स भी नहीं पहन पाती हैं। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको एक ऐसा क्रीम बनाना बताऊंगी जो आपके फटी एड़ियों को कुछ ही दिनों में सॉफ्ट और सुंदर बना देगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा पूरा फायदा भी उठा सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें कुछ सामग्रियां चाहिए, जो कि है एक चम्मच वी वैक्स। वी वैक्स आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर आसानी से मिल जाता है। ये फटी एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये ड्राई स्किन को नरिश करती है और उन्हें मॉइस्चराइज करके उन्हें सॉफ्ट बनाती है। नंबर टू, एक चम्मच इमल्सिफाइंग वैक्स। ये भी फटी एड़ियों को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये भी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। नंबर थ्री, दो चम्मच फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल भी एड़ियों से ड्राइनेस को दूर करता है। ये फटी एड़ियों में होने वाले जलन और दर्द को भी कम करता है और साथ ही उनके दरारों को भरता है और एड़ियों को मुलायम और सुंदर भी बनाता है। फोर, चार विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई भी फटी एड़ियों को बहुत जल्दी रिपेयर करता है। ये भी एड़ियों को नरिश करता है और उन्हें सॉफ्ट बनाता है। नंबर फाइव, चार चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और बहुत ही अच्छा एजेंट है, जो हमारे स्किन को और एड़ियों को डीपली मॉइस्चराइज्ड रखता है और साथ ही उन्हें हील होने में भी मदद करता है। अब जान लेते हैं इसे बनाने का विधि क्या है। सबसे पहले आप एक पैन में पानी गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए तब आप एक खाली कटोरी लें और उसमें वी वैक्स डाल लें और इसे पिघलने के लिए पानी में रख दें। जब ये पिघल जाए तो इसके बाद आप इसमें एमल्सिफाइंग वैक्स डालें और इसे भी पिघला लें। जब ये दोनों वैक्स अच्छी तरह पिघल जाए तो आप इसे निकाल लें। याद रखें कि आपको इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से ही पिघलाना है। इसके बाद आप इसमें फ्लैक्स सीड ऑयल डालें और इन्हें मिक्स कर लें। फिर इनमें विटामिन ई कैप्सूल को कट करके इसका ऑयल डालें। ध्यान रहे, जब ये सामग्री आप डाल रहे हो तो ये डबल प्रोसेस पे ही होना चाहिए, ताकि सारी सामग्रियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप इसमें एलोवेरा जेल डालें और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स होने के बाद ये एक क्रीम की फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब आप एक क्लीन कंटेनर लें और इस क्रीम को उसमें ट्रांसफर करके रख लें। अब आप इस क्रीम को 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस क्रीम को दिन में 2 से 3 बार अपनी एड़ियों पर लगाएं और मसाज करें। इसके रेगुलर यूज से आपकी फटी हुई एड़ियां बहुत जल्द सॉफ्ट और सुंदर भी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।